जय माता दी दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट्स विद नताशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे परमानेंट पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कटिंग्स आप मानसून की शुरुआत में ही लगा लीजिए तो आसानी से ग्रो हो जाएंगे और आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। और प्लांट को कटिंग से लगाने की बात चले तो पारचुलाका का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले बताते हैं इस पारचुलाका प्लांट के बारे में। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की अगर आप इतनी छोटी सी भी कटिंग लेके अगर किसी मिट्टी पे भी गिरा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे और इसमें लीव्स और फ्लावर्स दोनों निकलने लगेंगे। तो आप अपनी गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए, बहुत प्यारा सा प्लांट होता है। और सेकेंड नंबर पर जो प्लांट आता है ये है गुड़हल का, गुड़हल या हाइबिस्किस इसको बोलते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा होता है, बहुत सारे रंगों में आता है, बहुत सारी वैरायटीज़ में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लगता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आप इस तरह से इसकी देखिए स्टेम जो होती है थोड़ी जो ब्राउन हो चुकी हो, ग्रीन लगाएंगे ना तो चलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी स्टिक को कट करके और अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना के उसमें लगाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और अगर आपने इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगा लिया तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। और तीसरे नंबर पे जो प्लांट आता है वो है कनेर या ओलियंडर प्लांट। ये बहुत खूबसूरत होता है और कई सारे रंगों में पाया जाता है। इसकी स्किन शॉट हम लगा देंगे, कुछ जो मिल पाई है मुझे, बहुत सारे कलर्स में आता है ये फ्लावर, बहुत प्यारा होता है। और इसको मानसून की स्टार्टिंग में ही आप अगर आप लगा देते हैं अच्छा सा सॉइल मिक्सचर तैयार करके तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर एक बार ये ग्रो हो गया ना तो फिर ये कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसको कुछ भी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है कोई, इसे बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इससे बस साल में दो बार भी अगर आप दे देंगे गोबर की खाद, इससे ही आसानी से ग्रो करता रहेगा। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको इसकी कोई ब्राउन से स्टिक को कट करके इसको सॉइल मिक्सचर में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और देख रहे हैं इसमें इस तरह के बड बनते हैं और पूरा साल फ्लावरिंग होती रहती है। और चौथे नंबर का जो प्लांट है ये है मोगरा का, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है और पूरा साल आपकी गार्डन को भीनी भीनी खुशबू से महकाया रहता है। तो आप देख सकते हैं इसके कितने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और देखिए इसमें वाइट कलर के बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर लगते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरह की ब्राउन स्टिक लेके, इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी ना, इस तरह की ये ब्राउन स्टिक लेके आपको कट करके 4 या 5 इंच की कटिंग लेके इसको सॉइल मिक्सचर तैयार करके और उसमें लगा दीजिए। इसको पानी ज़्यादा नहीं दीजिए, बहुत जल्दी से इसकी स्टिक ख़राब हो जाती है। तो फटाफट इसकी कटिंग को लगाइए और अपने गार्डन को फूलों से महकाइए। और ये पौधा जो है वो पूरा साल रुक रुक के फ्लावरिंग करता रहता है। तो देख सकते हैं ना कि मेरे प्लांट में पहले बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही थी और इस समय इसकी फ्लावरिंग रुकी हुई है। एक बार फ्लावरिंग हो जाने के बाद इस पौधे को टॉप से कटिंग करते जाइए तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाती है और बहुत प्यारा पौधा तैयार हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और पांचवें नंबर पे जो प्लांट आता है इसका नाम है चंपा या प्लमेरिया प्लांट। और ये चौड़ी पत्ती वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है। और ये पौधा फ्लावरिंग नहीं भी हो तो भी मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि मैंने इतने बड़े कंटेनर में, थर्माकोल के कंटेनर में इसको लगाया हुआ है और कितना बड़ा सा हो चुका है, ये बहुत प्यारा सा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए और बारिश के शुरुआत में ही अगर आप इसको लगा लेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। इसको लगाने के लिए ये देखिए आप इस तरह की स्टेम को कट करके, ये जो ब्राउन कलर की है, ब्राउन वाली स्टेम लेंगे आप, 4-5 इंच की स्टेम लेके लगा लीजिए मिट्टी में तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छा सा प्लांट तैयार हो जाता है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह के इसमें बड्स लगते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका बड। और अगर आप इस प्लांट को घर के बाहर लगाना चाहते हैं तो इसको गाय वगैरह भी नहीं खाती हैं, जानवर नहीं खाएंगे ना तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसको ज़रूर ऐड करिए आप अपने गार्डन में। और छठे नंबर पे जो प्लांट आता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सारे कलर्स में आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। इसका नाम है बोगनवेलिया। तो इसको भी आप लगाने के लिए बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो देख सकते हैं कितने छोटे से प्लांटर में मेरा लगा हुआ है पौधा और खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसकी कई सारी कटिंग्स लगाई थी तो मेरे पास और भी इसके प्लांट्स हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी ये जो स्टेम है, यहाँ से जो ब्राउन कलर की स्टेम है, इस तरह से ब्राउन कलर की स्टेम को आप कट करके
सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं, किसी भी गमले में लगा सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। कई सारे रंगों में इसके फूल आते हैं, तो इसको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में।